दोस्तों स्पीड में मैच जो कवर करने वाले जिम्बाब्वे वुमेन्स वर्सेस आयरलैंड वुमेन्स के बीच जो कि 5th T20 मैच खेला जाएगा। काफी बेकार परफॉर्मेंस रहा है जिम्बाब्वे वुमेन्स जैसा, होप था बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग पैसे कमा रहे हैं। आप अगर देखोगे तो अभी हमने रिसेंटली इनका वनडे मैचेस कवर किया था, हर एक वनडे मैचेस हम लोग विन किए थे और ये 5th T20 मैच है, 5th T20 और लास्ट 4 मैचेस अगर मैं चेक करूँ तो एक तरफा हर एक मैच विन किए। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप सब इतने ध्यान से देख लो वीडियो, सभी को थैंक यू। सबसे पहला काम करो, 4 घंटे मैच स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप कंपेयर भी कर लेना पूरे फैंटेसी फील्ड में, कंपेयर कर लेना कि आपको वुमेन्स के टीम्स आपको मुझसे बेटर कोई नहीं देता होगा, वो भी फ्री में, वो भी आज से नहीं सालों से फ्री में दे रहे। तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे हर एक मैच हम लोग कवर करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक सिंगल पैसा खर्च नहीं करना है। और फाइनल टीम सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप 36,300 से ज़्यादा लोग, 36,300 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप कल का मैच भी खेलेंगे मेरी टीम के साथ, जैसे आपको मैंने वीडियो में बोला था करने के लिए, अगर उस टीम को मतलब उससे के साथ अगर टीम क्रिएट किया होगा तो एक तरफा विन किएंगे। और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली मैचेस हम लोग कवर करते हैं और डेली विन करते हैं। 36,300 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रखे, आप लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन कर लेना। सर्च करना तो सर्च भी कर सकते, सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार जाइएगा, सर्च कीजिएगा एफ11 टीम सर्च करोगे बिना स्पेस देखे एफ11 टीम, तो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे 36,000 से ज़्यादा लोग है। जब तक आओगे और भी 4 घंटे बचे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, 5th T20 और फाइनल T20 पता है इसके बाद खत्म इसलिए, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे मैचेस है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज खत्म अच्छे से कोई दिक्कत नहीं। मैं वही पर फेक करूँगा लास्ट में शोर कार्ड, मैं कोई भी स्टार्ट से के टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, मैं वैसा टाइम वेस्ट करने वाला काम नहीं करता हूँ। स्टार्ट से का सिलेक्शन देखा, टीम क्रिएट करके दे दिया, वो टोटली आप टाइम वेस्ट करते हैं। मेरी वीडियो का बहुत टाइम इतना क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मेरी बात अलग रहता है, कोई वीडियो ओपन करके देख लो सबको आपको स्टार्ट देखे। अरे भाई कितना स्टार्ट देखोगे, मतलब लिटरली हर एक मैच के स्टार्ट आप देखते थे दिमाग, मतलब एक प्लेयर इसके स्टार्ट होता मतलब इसका भूल जाओगे। और चलो ये सब मान लो दोनों टीम के स्टार्ट याद भी रख लिए, तो बात बार मतलब कि आपको नॉलेज नहीं है उस प्लेयर के बारे में, अच्छे जान रहे हो तो स्टार्ट में टाइम नहीं, मैं वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, मैच को इंटरेस्टिंग बनाता हूँ और वुमेंस के मैच आपको पता है कि किस लेवल का मैं टीम देता हूँ ये भी जानते हो। लास्ट मैच ज़्यादा नहीं गया था, सिर्फ 8-8 ओवर का गेम गया था क्योंकि रिड्यूस हुआ था मैच ना बारिश के चलते, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अगर 20 ओवर गया था तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं था, मैंने आपको जैसा बोला था। लेकिन एक चीज़ है, आयरलैंड हर बार मतलब विन कर रही है जबरदस्त होगी। देखोगे तो जिम्बाब्वे की टीम दस से देखोगे, सबसे पहले हम देखेंगे जिम्बाब्वे का, चेक करते सबसे पहले कैलिस नूडल वो ओपन की थी मैरी एनिमसोंडो के साथ, बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं मेरे भाई, 8 ओवर का गेम था फिर भी इनके हीटर लोग नहीं आए बैटिंग करने, हालांकि इनके पास हीटर है ही क्या, कैलिस नूडल एक अच्छी हीटिंग करती है, मैरी एनिमसोंडो इन फॉर्म प्ले लेकिन लास्ट 2 रन पर आउट हो गई थी, उसे हमने ड्रॉप किया था। पी मुजाजी 12 रन स्कोर की थी, 14 रन ने विकेट कीपिंग मतलब विकेट कीपर ने इसको स्कोर किया, लॉरेंस समाजी को कवर किया था मात्र 10 रन स्कोर की, लेकिन फिर भी अच्छे स्कोर की भाई कुछ भी कहो, स्ट्राइकर सबसे ज़्यादा इन्हीं का है, सॉरी इनका भी है विकेट कीपर थ्रूर का, तो ठीक है इनका बैटिंग ऑर्डर है, मुझे ज़्यादा से कोई नहीं। एक बार इनका बॉलिंग हम सीखते क्योंकि मैच पूरा नहीं गया था, बट फिर भी पी मैरेंगे ने बॉलिंग के लिए फिर भी अच्छा हमारा किस्मत था कि विकेट लेस गई। कैलिस नूडल पर 1 ही ओवर बॉलिंग की 7 रन दी थी, लॉरेंस समा हमने उसे कवर किया था बहुत इनसे होप था लेकिन फिर भी विकेट लेस गई। उसके अलावा महवरू टीम तो से 1 ही ओवर बॉलिंग की 1 विकेट लेके गई, और उसके अलावा एन सिवंडा जो कि जनरली नीवो से स्टार्ट करती थी लेकिन बॉलिंग में ज़्यादा कुछ बोलूंगा कि मैच पूरा नहीं गया था इसलिए बॉलिंग में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। उसके अलावा आयरलैंड वुमेन्स की टीम से देखो तो इनका बैटिंग ऑर्डर तगड़ा है, हर बार बोलता हूँ वही बैटिंग ऑर्डर है वही सब कुछ है। एमी हंटर विकेट कीपिंग करेगी, ओपनिंग करेगी, जबरदस्त ऑप्शन है, गैबिल्यूज के साथ ओपन करेगी, मैंने बोला ना गैबिल्यूज चेसी बहुत अच्छे स्कोर करते, सबसे ज़्यादा स्कोर किया रन और भी नोट आउट किया ना गैबिल्यूज चेसिंग मास्टर, जैसे अपनी स्मृति मदा नहीं अपनी स्मृति सेम उसी की तरह गैबिल्यूज खेलती है, बहुत ज़बरदस्त है दिखने में भी, अब मतलब कि अच्छी खेलती है। ओला प्रेनेगस बहुत तगड़ी ऑलराउंडर में से एक है, बैटिंग ऑलराउंडर है और काफ़ी अच्छी हिटिंग भी करती है, और सबसे बड़ी बात तो ओला प्रेनेगस बहुत तगड़ी हिटिंग करती है और बॉलिंग भी अच्छी करती है, और उसे लास्ट में ज़्यादा बॉलिंग नहीं की होगी। तो देखोगे बैटिंग ऑर्डर तो इनका क्लियर है, इसमें ज़्यादा कोई डाउट नहीं है, इवन इनका पावर प्ले देखते तो न्यू से स्टार्ट किए थे अवे कैनिंग ने 2 ओवर बॉलिंग की, और देखो अवे कैनिंग ऐसे प्लेयर है ना, मैं पर से बता रहा हूँ पिटाई बहुत ज़्यादा होता है, मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन अगर एक बॉल भी बचा नहीं गया उसमें इनको 1 विकेट कम से कम मिल ही जाता है, लास्ट बॉल में इनको विकेट मिल जाता है, बट लास्ट में विकेट लेस गई थी। जॉर्जिया डेम्पसी सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग की, 3 ओवर सिर्फ 3 ही रन दिए और 1 विकेट भी लेके गए, आने के लिए 1 ही ओवर बॉलिंग के लेके विकेट लेस, लेकिन हम कवर करना चाहेंगे कैरेमरी पूरा मैच आज जाएगा ठीक है, ली पुल वगैरह 1 ओवर बॉलिंग कैरेमरी विकेट लेके स्पिन फ्रेंडली विकेट था, स्पिनर्स को विकेट मिल गया था। लॉरेंस डेलानो जो कि सिर्फ 1 ही ओवर बॉलिंग की 1 विकेट लेके गई, तो चलो ये सब चीज़ें क्लियर करना इंपॉर्टेंट था। बाकी लुइस लिटिल नहीं खेली थी लास्ट मैच क्या भाई, लिटिल तो खेली थी बट फिर भी उनको लुइस लिटिल जबरदस्त लगती, मतलब लिटरली एक बंदे ने कमेंट भी किया था छोड़ो वो जबरदस्त लुइस लिटिल, मैं बता दूँ लुइस लिटिल बहुत लोग बॉलर समझ ले बट वो ओपनिंग भी कर चुके वरना बैटिंग भी करती थी 2021 में, अच्छी प्लेयर लुइस लिटिल।
बाकी ऐसा मैं टाइम वेस्ट करता नहीं, सब चीज़ें स्टार्ट से कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मेरे थोड़ा लॉजिक एक्सपीरियंस और साथ ही से स्किल यूज करके टीम क्रिएट करता हूँ। टेलीम चेंज से ज्वाइन करेगा, कंपेयर कर लेना पूरे फैंटेसी फील्ड में, वुमेंस के मामले में कोई टक्कर देने वाला नहीं है, इसकी गारंटी है। उसके लिए देखो मैं ना कल वुमेन मैचेस है ना, ये वाला डेफिनेटली मैं कवर करूंगा। इन तीन में से कोई, मैं पहले तीनों मैचेस कवर करता था, एक एक रात रात को होता था ना, बट दो तो जोर से कवर करूँ, और ये मैच तो मैं डेफिनेटली कवर करूंगा और ये वाला भी। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो मैच है इसको बेस्ट बनाते हैं, क्योंकि आज कोई ज़्यादा मैच उसने कवर भी नहीं किया है, तो इसको बेस्ट बताऊंगा बनाना है अपने को। बात कर विकेट कीपर सेक्शन लेके, तो इतना फर्स्ट अपने मैं डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ एक फर्ज बनता है, वीडियो को जूस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइबर कॉल पर सेट कर दो, जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता है, सब्सक्राइब जूस से कर लेना, बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब जूस से कर लेना। विकेट कीपर सेक्शन एमी हंटर से जाते हैं, जरूर भी ठीक ठाक है, लेकिन एमी हंटर की बात ही अलग है, नो डाउट है एमी हंटर बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा गैबिलियस चेसिंग मास्टर, चेस टीम करे तो आज 20 ओवर का गेम तो जाना ही चाहिए, गैबिलियस एक इंपॉर्टेंट है। मैरियन मेसोंडो भी ठीक ठाक है, अच्छी हिटिंग कर लेती, लीपुल लास्ट मैच खेली थी ना लीपुल, बट ओपनिंग के लिए नहीं आई थी, ये दिक्कत है, लेकिन बॉलिंग की थी लीपुल 1 ओवर, लेकिन देखना पड़ेगा कि लीपुल को पिक करे ना करे, क्योंकि कुछ भी कर सकती लीपुल, क्योंकि ओपनिंग के लिए भी आ सकती है, अगर ओपनिंग के लिए आएगी तो उसके से ओला प्रेरणा उसका बैटिंग ऑलराउंडर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से लीपुल ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, ओला प्रेरणा इसको पिक करके चलते, क्योंकि आप इनको कैप्टन भी कर सकते हो, लास्ट वीडियो मैंने बोला भी था कैप्टन कर सकते हो, नीचे कोई खास नहीं है दीपिका स्टोकल, बट उसका कोई खास नहीं है सर। 18 का पिक करना तो मुझे, मैं प्रेफर करूंगा मैरियन मेसोंडो। उसके अलावा लॉरा डिलानी इंपॉर्टेंट, कैलिस डोल में इंपॉर्टेंट, लॉरेन तो समा इंपॉर्टेंट, आईने के लिए का फॉर्म थोड़ा सा भी रिसेंटली आउट ऑफ फॉर्म चली गई है, लेकिन प्लेयर जबरदस्त है, फाइनल मैच है पक्का विकेट लेके जाएगी। पिक करके चलते हैं जॉर्जिया टेम्सी, 1 ओवर विकेट ले, बट बता दो देखो लुइस लिटिल कवर करो या फिर जॉर्जिया टेम्सी, ये बहुत बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। आप सोचोगे ना ये छोटा सा कन्फ्यूजन है, ज़्यादा नहीं है, सिलेक्शन बेस पे भी चले, लेकिन नहीं, लिटरली बहुत बड़ा मतलब कन्फ्यूजन है, कि अगर आप लुइस लिटिल लोगे तो हो सकता है लुइस लिटिल बॉलिंग ना करे, अगर जॉर्जिया टेम्सी लोगे तो हो सकता है लुइस लिटिल बॉलिंग कर ले, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और दोनों ही मतलब हो सकता है, और जॉर्जिया टेम्सी के साथ दिक्कत ये है कि 2 ओवर का भी बॉलिंग करती है, लेकिन जब भी 2 ओवर बॉलिंग करती है विकेट लेके जाती है, चाहे 1 ओवर बॉलिंग करे फिर 2 ओवर, जनरली इनको विकेट मिल जाता है जॉर्जिया टेम्सी को। लुइस लिटिल का फॉर्म थोड़ा सा लास्ट में से, तो देखो उससे पहले वाला मैच अच्छा गया था, बट लास्ट में बॉलिंग नहीं की थी, तो दिक्कत यहाँ पे बस ये कर रहा है और कुछ नहीं, इससे पहले तो 5 अच्छी खासी दी है, तो अगर आप चाहो तो पिक कर सकते, मना नहीं है, लेकिन मैं जॉर्जिया टेम्सी के साथ नहीं अभी पिक करेंगे, जो पी मैरिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बैटिंग करने भी आती है और बॉलिंग भी करती है, कैरम बड़ी काफ़ी चीज़ स्पिनर है, विकेट मिल जाता है, अवेकनिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो स्टार्ट कर रही है, नीचे देखोगे अलाना वगैरह अवेलेबल नहीं है, एन सी पांडा में जनरली कवर करता नहीं हो, तो देखोगे तो 9 प्लेयर्स पर मैं टीम पिक कर चुका हूँ, अब जो 2 प्लेयर्स पिक करने, अब आपको डिपेंड करता है कहाँ से लेंगे, लोन तो समझ ही रहेगी पिक कर चलना आज के मैच में। अब आप चाहो तो 2 प्लेयर वैसे पी मैरेंगे को पिक कर सकते हो, अगर फ्रेश सेवनेट खेलते तो फ्रेश सेवनेट को जो से पिक करना, या फिर लुइस लिटिल और जॉर्जिया टेम्सी को ट्राई कर सकते हो, या फिर पी मैरेंगे को ट्राई कर सकते हो, फिर मैरियन मेसोंडो को, तो ये जो है ना 2 प्लेयर्स अपने हिसाब से देख सकते हो आपको कहाँ से चाहिए। मैच ऐसा अगर खेलते अपनी टीम है ना, जैसे खेलती है ये, जैसे कि फ्रेश स्टूडेंट खेलती है तो पिक करके चलेगा प्लीज, मेरी तरफ से हाईली रिक्वेस्टेड है, या फिर अलाना वगैरह खेलेगी तो ट्राई करके चलेगा। मैं अपनी टीम में फिलहाल के लिए जॉर्जिया टेम्सी के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि बॉलिंग करेगी जॉर्जिया टेम्सी अच्छी खासी अमाउंट में, तो मैं ऐसे अपनी टीम पिक कर लेता हूँ, और ऐसे ऐसी बात नहीं कि लुइस लिटिल भी बॉलिंग करेगी, ऐसे नहीं, लास्ट में 8 ही ओवर नहीं गया था, तो लुइस लिटिल को बॉलिंग करने के चांसेस है, तो आप लुइस लिटिल पिक कर लो या अपनी टीम में पिक कर लो, हालांकि लुइस लिटिल अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो पक्का बॉलिंग करेगी, मैं पहले बोल रहा हूँ, लुइस लिटिल का पहले बॉलिंग करेगी तो डेफिनेटली मैं पिक कर लूंगा, क्योंकि लुइस लिटिल 10 में बॉलिंग करती है तो अच्छी रहेगी टीम से, जॉर्जिया टीम से 2 ओवर भी बॉलिंग करते तो विकेट मिल ही जाता है, या फिर अपनी टीम में चाहो तो मैरियन मेसोंडो के साथ चलो, तो मैं मैरियन मेसोंडो का आज पिक कर रहा हूँ, लुइस लिटिल को, हालांकि लुइस लिटिल बहुत मुझे अच्छी लगती है, देखने में बहुत सही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि अच्छी टीम से लुइस लिटिल कवर मैं कवर कर लेता, बट मैरियन मेसोंडो को मैं पिक नहीं करा, हालांकि लास्ट में 2 ही रन स्कोर की थी, बट जनरली वो फॉर्म में रहती है, 40-42 रन मार देती है, तो देखने वाली बात है, बट मैं लुइस लिटिल पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। कितने बॉलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 बॉलर्स पिक कर लिए यार, ओला प्रेरणा कैसे बॉलिंग कर सकती है, चलो ठीक है ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेया वगैरह नहीं खेल रही ना, इसलिए मैं जो लुइस लिटिल के साथ गया, क्योंकि बॉलिंग करेगी, फ्रेया नहीं खेल रही है, अलाना नहीं खेल रही है, तो बॉलिंग करेगी लुइस लिटिल, सिंपल से लॉजिक है, चाहो तो पिक कर सैन मैरियन मेसोंडो, बस होप करूंगा कि आउट हो जाए। कैप्टन सप्टन देखो लोडा डिलानी एक और बॉलिंग करे विकेट लेके जा रही, प्लस 4 बैटिंग है, तो एक अच्छे ऑप्शन, लेकिन कुछ नया करना है ना, कुछ नया करना है तो अपनी टीम में आने के लिए कोई ग्रैली टीम जो से ट्राई करना, मेरा हाईली रिक्वेस्ट रहेगा, लुइस लिटिल में ट्रम कार्ड के तौर पर यूज़ करो, जबरदस्त है, एज ए कैप्टन और लेफ्ट हैंड के साथ भी जा सकते हो, अच्छी ऑप्शन, क्योंकि वंडा बैटिंग करेगी सेफर ऑप्शन है, नहीं तो एमी हंटर जो कि टीम विकेट कीपिंग से भी पॉइंट से गई, एज ए कैप्टन अपनी टीम में मैं प्रेफर करूंगा, जो मुझे लगता है कैप्टन तो मैं चल जाऊंगा लॉरेन डिलानी, तो वाइस कैप्टन किसके साथ जाऊंगा, गैबिलियस नहीं तो एमी हंटर नहीं तो ओला प्रेरणागिस, या फिर आप एमी हंटर कैप्टन जा सकते हो ओला प्रेरणागिस, लेकिन बैटिंग बैकअप आपको नहीं दे पाएगी, इसलिए लॉरेन डिलानी एज ए कैप्टन जा रहा हूँ, 2-3 विकेट भी लेके दे देगी, प्लस 4 बैटिंग है, तो एक अच्छा ऑप्शन है एज ए कैप्टन,
वाइस कैप्टन टीम तो से मैं जाना चाहूंगा एमी हंटर के साथ, जो कि विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट्स दे जाएगी, प्लस फॉर्म में चल रही, सबसे बड़ी बात सेंचुरी मार चुकी सीरीज में, तो मेरे हिसाब से काफी जबरदस्त है वाइस कैप्टन के लिए। आप चाहे तो ओरला प्रेनिंग इसको भी ट्राई कर सकते हो, कैविलियर्स तो चेसिंग में स्कोर करती ही करती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, देखा जाएगा वाइस कैप्टन। बट अभी अभी डेमो के लिए एमी हंटर के साथ के सेम टीम क्वार्टर्स बुक कर दो, सेम टीम के साथ टीम परफेक्ट, आज थोड़ा सा डिफरेंशियली टीम बनाए। देखो जो लूज लिटिल बॉलिंग करेगी, टेंशन मत लो, क्योंकि फ्रैन नहीं है, अलाना नहीं है, तो बॉलिंग करेगी। जनरली इनके पास 9 बॉलिंग लाइनअप्स रहते हैं, आपको भी पता है ये सब चीज़ें, इनके पास बस यही 2 बॉलिंग नहीं करते, बाकी सभी बॉलिंग करने वाले प्लेयर्स सब है। सेम टीम क्वार्टर्स बुक कर दो, सेम टीम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, टीम ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं है, टीम परफेक्ट है, एकदम न्यूट्रल टीम है और विनिंग टीम है। बाकी कोई डाउट वगैरह तो नीचे कमेंट जरूर से कर दीजिए, और सभी को तो दिल से थैंक यू, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो कि वीडियो इतना मतलब एकदम ध्यान से सुनते हो, ध्यान से देखते हो, सभी को थैंक यू। सेम टीम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, सेम टीम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, टीम परफेक्ट है, मुझे इस साइड से कोई दिक्कत नहीं लग रहा है इस टीम में, कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। ग्रैलीबैक है तो आप जूस है ओला प्रेनांगिस को और लुइस लिटिल को और एवा कैनिंग को ग्रैली टीम बता रहा हूँ, और कैलिस नोरो अच्छी सी बी सी क्लीन को भी, और एन ए किली को हाईली रिक्वेस्ट है कि आज की मैं हाई मतलब मैं हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि एन ए किली को कैप्टन ट्राई करो, आज फाइनल मैच है। सेम टेम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, इन सबको सी बी सी ट्राई करना जिसको आपको मार्क किया था, ठीक है, इन सबको, तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, आपको अच्छे से दिख जाएगा टीम। टेलीग्राम चाहिए जो से ज्वाइन कर लीजिए, 10 बजे मैच है, पॉइंट आपको सबसे पहले ही दे दूंगा, तो ज्वाइन जो से कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी वीडियो जो से जो से लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर जो से कर लेना यार, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब जो से कर लेना।